दिल्ली के साकेत मॉल में आयकर की टीम को मिला छिपा खजाना। बेसमेंट के नीचे बनाए गए थे 146 लॉकर। आयकर टीम के मुताबिक साकेत मॉल के तहखाने में मिले कई लॉकर्स बेनामी। 15 लाख रुपए सालाना था किराया। कई दिनों तक जारी रहेगी रेड। कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके में 15 लाख 68 हजार 500 की नई करेंसी बरामद। तलाशी अभियान के दौरान दो कारों में मिला पैसा। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में एसीबी ने डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के घर की छापेमारी। 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के दस्तावेज बरामद। जिम कॉर्बेट पार्क में भी पड़ा नोटबंदी की मार का असर। पर्यटकों की घटी तादाद। 50 कॉटेज वाले पार्क में सिर्फ 3 परिवार बिता रहे छुट्टी। शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, दिल्ली समेत कई इलाकों में ठंड की वजह से जीवन अस्त व्यस्त। रेल और हवाई यातायात पर कोहरे का असर। 30 ट्रेनें लेट। 6 ट्रेनों का बदला गया वक्त। 8 इंटरनेशनल, 7 डोमेस्टिक फ्लाइटें डिले। हिमाचल में मौसम ले ली करवट। सफेद चादर में डूबा कुफरी। धर्मशाला में भी बर्फबारी। शिमला में सीजन का पहला स्नोफॉल। सैलानियों ने की मस्ती। श्रीनगर में तापमान पहुंचा -3 के पार। लेह में -14 तक लुढ़का पारा। यूपी में विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हो सकता है गठबंधन। मुलायम ने कांग्रेस को दिया 88 सीटों का ऑफर। समाजवादी पार्टी यूपी में 403 में से 297 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 18 सीटें आरएलडी जेडीयू के लिए छोड़ सकती है पार्टी। सूत्रों के मुताबिक यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद गठबंधन का औपचारिक घोषणा की जा सकती है। गठबंधन पर बोले सीएम अखिलेश यादव, गठबंधन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे फैसला। समाजवादी पार्टी बना रही है सरकार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अमर सिंह ने लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल से की मुलाकात। शिवपाल के बाद मुलायम से भी जाकर मिले अमर सिंह। इंदौर में कांग्रेस पर जमकर बरसे रक्षा मंत्री मनोहर पारेकर। बोले जो आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं उनके पुरखों ने आपातकाल में घोटा था देश का गला। इंदौर में एबीवीपी के अधिवेशन में रक्षा मंत्री ने सफल सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सैनिकों को दी बधाई। बोले उस रात ये सोचकर सो नहीं सका था कि कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरा क्या होगा। पारेकर ने नोटबंदी के लिए विपक्षियों पर कसा तंज। बोले सीएम का किस का सपना पाले तमाम लोगों के 8 नवंबर के बाद उतरे चेहरे, अब तक नहीं लौटी रौनक। नागपुर की एक गोष्ठी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सैनिकों के मान सम्मान का मुद्दा उठाया। बोले समाज को शहीदों के परिजनों को रखना होगा ख्याल। तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेता सुशील मोदी को दी राजनीति से संन्यास लेने की नसीहत। बोले ठीक नहीं है उनका दिमागी संतुलन। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह समेत 41 कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। पेश की चार्जशीट। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ मिलकर कांग्रेस नेताओं पर चार्जशीट पेश की। 4 साल के भ्रष्टाचार का पेश किया लेखा जोखा। गुजरात के आनंद से बीजेपी सांसद दिलीप पटेल ने जमीन विवाद में सब इंस्पेक्टर को दी धमकी। वीडियो वायरल हुआ। बीजेपी सांसद दिलीप पटेल ने एक जमीन के टुकड़े को खरीदने का कर रहे थे दावा, लेकिन जमीन के मालिक के मुताबिक उसने जमीन बेची ही नहीं। पुणे में एक तरफा प्यार में लड़की के परिवार पर किया आशिक ने हमला। 8 हमलावरों ने चाकू और डंडों से किया हमला। हमले में लड़की के पिता का हाथ तलवार से जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें। पुणे में दे रोड के पास महिला का शव मिला, शरीर में कई घाव। आईटी कंपनी में काम करती थी महिला। दुमका में अनियंत्रित बस चाय की दुकान में घुसी, एक सरकारी कर्मचारी की मौत। गुस्साए लोगों ने लगाई आग। अलवर में आबकारी पुलिस ने 40 लाख की शराब जब्त की। गुजरात में नए साल के जश्न के लिए ले जाई जा रही थी शराब, 540 पेटियां पकड़ी गई। दिल्ली पुलिस ने डकैती करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 6 डकैत गिरफ्तार। 3 महीने पहले कीर्तिनगर में की थी 55 लाख की डकैती। कानपुर में रिटायर फौजी ने पार की इंसानियत की हदें। प्रेग्नेंट महिला को बेरहमी से पीटा, गर्भपात से 6 महीने के बच्चे की हुई मौत। लखीमपुर खीरी में ट्रैक्टर ट्रॉली और जीप की जबरदस्त टक्कर, 5 लोगों की मौत। सिंगरौली में बीएसए के छात्र की हत्या के केस में खुलासा, लड़की की दीवानगी में एक सरफिरे ने की थी हत्या। युवक को बीसीए के छात्र और लड़की के बीच प्रेम संबंध का शक, लिफ्ट लेकर छात्र को मारी गोली, हत्या का नहीं है मलाल। मुजफ्फरपुर पुलिस ने 7 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 3 पिस्तौल कारतूस और लूटी गई 2 बाइक बरामद। कोल्हापुर के रंगकाला इलाके में पानी से भरे तालाब में गिरी
कार को क्रेन से बाहर निकाला गया। हादसे में कार सवार एक शख्स और उसकी 3 साल की बेटी की मौत। करनाल में भतीजी से छेड़खानी के विरोध पर आरोपियों ने चाचा को पीटा, शर्मिंदगी में जहर खाकर की खुदकुशी, पुलिस ने आरोपी पड़ोसी पर दर्ज किया केस। यूपी में बहराइच डीएम पर अपने आवास पर तैनात होमगार्डों की पिटाई का लगा आरोप, होमगार्डों ने दिया बेमियादी धरना। बहराइच में प्रदर्शन के दौरान होमगार्डों ने डीएम के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, डीएम पर केस दर्ज करने की मांग। दिल्ली में नाबालिग लड़की से रेप का आरोपी ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार, 3 महीने से ब्लैकमेल करके कर रहा था रेप। जयपुर में ब्लैकमेल करके ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, कॉल गर्ल्स के जरिए बिल्डर और कारोबारियों को करते थे टारगेट। गिरोह के सदस्यों ने 2.5 साल के ब्लैकमेल करके कमाए 15 करोड़ रुपए, 25 लोगों को बनाया था निशाना, 2 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई के नागपाड़ा में 1 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा की गई मासूम का शव मिला, 20 दिनों पहले अगवा हुई थी 3 साल की मासूम, एक बैग में टुकड़े टुकड़े करके फेंका गया था शव। नागपाड़ा इलाके में पड़ोस में रहने वाले 2 नाबालिग लड़कों पर है मासूम के अपहरण और हत्या का आरोप, पुलिस ने दोनों को पकड़ा। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके में एक लड़की पर उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड ने किया हमला, चेहरे पर ब्लेड से वार कर किया घायल। लड़की ने परिजनों से की थी सहेली की शिकायत, इसी से खफा था उसका बॉयफ्रेंड, आरोपी सहेली हिरासत में, बॉयफ्रेंड फरार। पलवल में 8 साल की छात्रा की रेप के बाद हत्या, 3 दिनों से थी लापता, पड़ोसी घर के बेड पर मिला शव, आरोपी फरार। नक्सल प्रभावित लातेहार में सीआरपीएफ के जवानों ने पेश की मिसाल, ग्रामीणों को मुफ्त में बांटे जरूरत के सामान। मध्य प्रदेश के सागर में ट्रेन के इंजन में अचानक लगी आग, बीना स्टेशन के हुआ है वाकया। नालगोंडा पुलिस ने पुराने नोट बदलने के रैकेट का किया भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, लाखों के नोट जब्त। हैदराबाद में डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाने के लिए मांगी थी 25,000 की घूस। हैदराबाद में एक टीचर ने काम न पूरा करने पर डंडे से की छात्रा की पिटाई, मामला सामने आने पर स्कूल ने आरोपी टीचर को सस्पेंड किया। तमिलनाडु के वेल्लोर में 2 लोगों ने एक महिला कांस्टेबल पर फेंका एसिड, महिला थाने में ड्यूटी के बाद घर लौट रही थी कांस्टेबल। अलवर के धमरेड गांव में बुजुर्ग की पत्थरों से कुचलकर हत्या, गड्ढा खोदने को लेकर था विवाद, 3 महिलाएं गिरफ्तार। दिल्ली में रेप के शिकार हुई अमेरिकी पर्यटक का बयान, अब अकेली नहीं आएगी भारत, आज तक से बोली इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ूंगी। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर में ट्रक में छुपा कर ले जाई जा रही थी 1.5 करोड़ कीमत की शराब जब्त, ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर फरार। मऊ में पारिवारिक विवाद में बेटे ने मां की लाठी से पीटकर की हत्या, पिता को भी चाकू मारकर हुआ फरार। रुद्रप्रयाग में नियमों को ताक पर रखकर मंदाकिनी नदी में किया जा रहा अवैध खनन, तिलवाड़ा और से विजयनगर के बीच जेसीबी मशीन से खुदाई। जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल मुद्दे पर पैंथर्स पार्टी का प्रदर्शन, अलगाववादियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। चेन्नई में पुलिस वाले ने खुद को मारी गोली, छुट्टी न मिलने से था परेशान। हैदराबाद में अपनी दादी के खिलाफ मामला दर्ज करने पहुंचा 8 साल का मासूम, कहा दादी खेलने से करती है मना। स्वच्छ और सुंदर नेपाल की मुहिम में जुटा नेपाल स्टेट बैंक, पोखरा की प्रसिद्ध झील का किया सौंदर्यीकरण। दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में लेजेंड ऑफ इंडिया द्वारा सालाना संगीत महोत्सव का आयोजन, मशहूर तबला वादक पंडित शंकर घोष को दी गई श्रद्धांजलि। सुरों के सरताज मोहम्मद रफी की जयंती पर बांद्रा में रफी चौक का उद्घाटन, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने किया उद्घाटन। इसकी शूटिंग खत्म होने पर शाहरुख खान को गिफ्ट में मिली जैकेट, तस्वीर के साथ शाहरुख ने दी जानकारी। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर साझा की सेल्फी, कामाख्या देवी मंदिर में दर्शन करने के दौरान ली थी। अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में नया मोड़, अभिनेता सूरज पांचोली ने जिया की मां के खिलाफ दी याचिका, बदनाम करने का लगाया आरोप। अभिनेत्री आलिया भट्ट ने घर खरीदने के बाद दी पार्टी, शाहरुख खान, करण जौहर, आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने पार्टी में की शिरकत। आज दुनिया भर में क्रिसमस की धूम, यीशु के जन्मदिन की मनाई जा रही है खुशियां, वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने दी क्रिसमस की बधाई, साथ ही ईसाइयों को बाजारवाद से बचने की नसीहत दी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा ने देशवासियों को दी क्रिसमस और बधाई, व्हाइट हाउस में मनाया आखिरी क्रिसमस। इराक के बारतेला में सैकड़ों ईसाइयों ने मनाया क्रिसमस, 2013 के बाद पहली बार आईएसआईएस से आजादी का जश्न। दक्षिण कोरिया के सेंटा क्लॉज की पोशाक में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरी राष्ट्रपति पाक गुनहेई से मांगा इस्तीफा। रूस में अनोखे अंदाज में मनी क्रिसमस, पानी में तैरते सेंटा ने बांटे उपहार। 18 महीने बाद विदेश से पाकिस्तान लौटे पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, अपनी पार्टी पीपीपी को देंगे मजबूती।
चीन के गैंगडोंग प्रांत में एक स्कूटी सवार ने एक ट्रक ड्राइवर से अनोखे अंदाज में झपटा मोबाइल, लेकर हुआ फरार। गैंगडोंग में मोबाइल छीने जाने के एक दिन बाद ट्रक ड्राइवर ने फिल्मी अंदाज में वापस हासिल किया अपना सेट। स्कूटी से आ रहे झपटमार को कुंग फू स्टाइल में किया चित। मेक्सिको में दहक उठा कोलिमा ज्वालामुखी, कैमरे में कैद हुए धुएं के ऊंचा उठता गुबार। सीरिया के एडलिब में जोरदार बर्फबारी, बुलडोजर से बर्फ हटाकर साफ की गई सड़कें।